इस समय मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर। आप देखेंगे मेरे पीछे तो साफ तौर पे एक बोर्ड लगा है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जिस पर लिखा हुआ है दुर्घटना संभावित क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग सर्विस रोड पर गाड़ी पार्क ना करें, वो गलत दिशा में वाहन ना चलाएं। लेकिन ठीक इसके उलट आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही होंगी वहाँ तक आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्विस रोड पर किस तरह से अवैध तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की गई है, जिसको लेकर यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है लेकिन बोर्ड का पालन नहीं हो रहा है। आप सामने देखेंगे तो सामने भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ट्रक लगाए गए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पे जो सड़क है उस पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। और देखेंगे तो अतिक्रमण कह सकते हैं इसको, क्योंकि साफ तौर पे लिखा है फरीदाबाद पुलिस द्वारा कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते सर्विस रोड पर। लेकिन आप देखेंगे दूर तक आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ियाँ ही पार्क है, बड़े बड़े ट्रक पार्क किए जाते हैं। और ये वो रोड है, मथुरा रोड है, दिल्ली मथुरा रोड है, और आप ठीक सामने देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होंगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का आवागमन है। और आप सर्विस रोड की हालत देखिए, दोनों तरफ से यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की गई है और पूरे फरीदाबाद में लगभग ऐसी ही स्थिति है। हालांकि फरीदाबाद पुलिस चालान भी काटे जाते हैं फरीदाबाद पुलिस द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ियों का अंबार है, अवैध तरीके से यहाँ पे पार्क की गई है गाड़ियाँ। आपको मैं बता दूं कि अगस्त महीने यानी 2022 अगस्त तक फरीदाबाद पुलिस ने लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा के चालान काटे हैं, वही 2,13,000 के करीब गाड़ियों का चालान किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पार्किंग है, अवैध तरीके से गाड़ियाँ पार्क की गई है। यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया है कि आप ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी तरह से आप गाड़ियों को पार्क ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क है और लगातार पूरे फरीदाबाद में ऐसी स्थिति है। लेकिन फरीदाबाद पुलिस भी एक तरफ जहाँ चालान काटते हुए, दूसरी ओर यहाँ पर जो लोग हैं जो अवैध तरीके से पार्किंग लगाते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, और यही वजह है कि फरीदाबाद पुलिस को एक्शन लेने की ज़रूरत है। ईटीवी भारत से फरीदाबाद से मुकेश कुमार।